ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको मिलवाते हैं आइया की रानी से, जो अपनी फिल्म का जोरों से प्रमोशन कर रही हैं। रानी से बातचीत की है हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने। गोरे लोग नहीं, मुझे काले लोग पसंद है। अग्गू भाई ने कुछ इस तरह से हल्ला मचाया कि सबके मुंह से अय्या निकल गया और इस वक्त अग्गू भाई खुद उनके सपनों के राजा और डायरेक्टर सचिन हमारे साथ कि बहुत तेज हल्ला कर रहे हो आप जी। हम सब हम यही हमारी कोशिश रहती है कि हम हर फिल्म को दर्शक तक लेके जाए और उन्हें खुशी दें और उन्हें बहुत मतलब मस्ती कराए, क्योंकि हमारे कंट्री में फिल्म्स को हम फिल्म्स की तरह नहीं देखते। वी सी इट एज अ पार्ट ऑफ आर ग्रोइंग अप, एज पार्ट ऑफ आर फैमिली आउटिंग। तो जब हम कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो हम परिवार समेत जाते हैं, हम खाना पीना खा के इंजॉय करके हम फिल्म देखना, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन इन इंडिया। और ये गो वाकड़ा जो हमारी जो फिल्म है अय्या, ये वही कहती है कि आप सबको लेकर आइए एंड गो वाकड़ा, मीन्स आप पागल हुई है, आप इंजॉय कीजिए फिल्म। बहुत अच्छे अच्छे किरदार है, स्वीट किरदार है, गाने अच्छे हैं और जो जो एक अच्छी फिल्म में होनी चाहिए, एक अच्छी होलसम एंटरटेनर में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें अय्या में हैं। तो मैं जो आपके दर्शक हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह की वाकड़ा फिल्म है और वाकड़ा का मतलब है एकदम टेढ़ा, बहुत ही वैक्ट आउट, बहुत ही पागल, मतलब पागलपंती से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हद पार करने वाली बिहेवियर। और इस फिल्म में हर कुछ वाकड़ा है और जब दर्शक पिक्चर देखने जाएंगे तो यही सोच के जाए कि हम एक वाकड़ा फिल्म देखने जा रहे हैं और वाकड़ा गाना गाते हुए बाहर आए। ढोल पेट नम लव लस्ट डबल कष्ट बड़ा ढेट नम कोई ऐसा वाकड़ा कैरेक्टर आपकी रियल लाइफ में कभी आया जिसे झेलना पड़ा हो? सचिन सचिन से ज्यादा वाकड़ा तो मैं किसी से मिली नहीं हूँ, तो ही इज द एपिटम ऑफ व्हाट वाकड़ा वाकड़ानेस इज। वो मतलब है इतने बड़े दिखने में लेकिन है बहुत ही छोटे उम्र के, तो एक तो वाकड़ानेस उनमें है, दिखते हैं बहुत भारी भरकम लेकिन है बहुत उछल कूदिया, मतलब हमेशा उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, रोता रहता हूं। हाँ रोते भी रहते हैं। उनके यहाँ पे एक नल है जो ऐसे खुल जाता है। और लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी कि सचिन का जो एस्थेटिक्स है एज अ डायरेक्टर, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी नाइस। और जिस तरह से उन्होंने अय्या का भी मतलब निर्देशक किया है, आई थिंक ही इज ब्रॉट समथिंग न्यू ऑन द टेबल इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन द टर्म्स ऑफ हाउ अ फिल्म लाइक हिंदी फिल्म इज। और दर्शक जब फिल्म को देखेंगे तब वो देख पाएंगे कि एक बहुत ही अलग तरीका है जिस तरह से कहानी कही गई है, क्योंकि अब हमेशा एक जब एक फिल्म देखते हैं वी ऑलवेज वंडर कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरह की होती है, और इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी वाकड़ा है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी दर्शक आए 12 अक्टूबर को ये फिल्म देखने, वो उसी मेंटालिटी से आए, उसी सेंसिबिलिटी से आए कि वो एक वाकड़ा फिल्म देखने जा रहे हैं जिसमें जैसे कि उन्होंने कहा कि एक भेलपूरी है वाकड़ा कैरेक्टर्स की, तो फिर वो बहुत बहुत इन्जॉय करेंगे। रानी इसमें आपके डांस देख के चाहे लावणी हो चाहे बैली हो, सरप्राइज पैकेज एकदम लगे। इस फिल्म में सचिन की वजह से हमें ये मौका मिला कि हम अलग अलग सॉन्ग्स करें जिसमें, क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है, मीनाक्षी की फैंटेसी वर्ल्ड है, तो वो कोई भी टाइप की डांस कर सकती है क्योंकि उसमें रोक टोक नहीं है, मतलब कैरेक्टर नहीं कर रहा है लेकिन कैरेक्टर अपने दिमाग में तो कुछ भी कर सकता है, तो एक मतलब लिबर्टी पाई गई कोरियोग्राफर ने। और मतलब वैभवी लिटरली फ्लू विद द म्यूजिक, लाइक यू नो विद द कोरियोग्राफी, क्योंकि उन्हें लगा कि हम थोड़ा सा वी कैन यू नो गो, वी कैन काइंड ऑफ पुश द बेंचमार्क। और वो चाहती थी कि मैं इस फिल्म में बेली डांस भी करूँ क्योंकि वो एक ऐसा डांस फॉर्म है जो मैंने कभी किया नहीं है और जो उसने भी कोरियोग्राफ नहीं किया है,
तो इसीलिए ये एक मतलब मिश्रण है गानों का। और मुझे खुशी की बात यह है कि इस फिल्म में ये गाने बहुत अच्छी तरह से आते हैं और नैरेटिव को हेल्प करते हैं, बल्कि नैरेटिव को मतलब रोकते नहीं है, बट इट जस्ट हेल्प्स द नैरेटिव। रानी, बहुत खास मौका है जब आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो दुर्गा पूजा भी साथ में आ रही है, तो क्या प्लान से इस बार दुर्गा पूजा? बस दुर्गा पूजा के यही प्लान से कि अगर दर्शक ने ये थम्स अप दे दी अय्या के लिए और सचमुच में मतलब आकड़ा हो गए, तो मैं इस बार दुर्गा पूजा में धुनी डांस करने वाली हूँ। रानी की काफी समय बाद फिल्म आ रही है आइया। 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है और रानी कह रही हैं कि फिल्म में काफी मस्ती है, फुल एंटरटेनिंग है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखिए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ